हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 किरण प्रकाशकीय एवं प्रकाशीय यंत्र रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का थर्ड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र या लेंस निर्माण सूत्र 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ f स्मॉल f छोटा f है जो पतले उत्तल लेंस या अवतल लेंस की फोकस दूरी है। r1 तथा r2 पतले लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों, पहला वक्र पृष्ठ a1b तथा दूसरा वक्र पृष्ठ AO2B की वक्रता त्रिज्याएं हैं। अब लेंस निर्माण सूत्र को व्युत्पन्न किया जाए, प्राप्त किया जाए। माना कि एक पतला उत्तल लेंस AB है, जिसके दोनों वक्र पृष्ठों AO1B तथा एक AO2B की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 कैपिटल R1 तथा कैपिटल R2 है। माना कि लेंस के पदार्थ अर्थात कांच का अपवर्तनांक म्यू है। प्रधान अक्ष XX' जो कि उत्तल लेंस के इस पतले लेंस जो कि उत्तल लेंस यहाँ माना गया है, उसके प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा है प्रकाश प्रधान अक्ष XX'। तो पतले उत्तल लेंस का प्रधान अक्ष XX' पर स्थित वस्तु या बिंदु स्रोत, जो एक बिंदु के आकार का है, पी बिंदु पर, इसे बिंदु स्रोत कहा जाएगा या बिंब कहा जाता है वस्तु को। तो प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु स्रोत या बिंब या प्रकाशीय वस्तु P से चलने वाली एक किरण पतले उत्तल लेंस पर तिरछे ढंग से उसके पहले गोलीय पृष्ठ AO1B के C बिंदु पर आपतित होती है। लेंस के पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण लेंस के अंदर सीधी दिशा में प्रधान अक्ष की ओर मुड़ जाती है तथा लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ AO2B के डी बिंदु पर आपतित होती है, जहां O2 लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ का ध्रुव है, पोल है, तथा O1 उस लेंस का, मतलब लेंस AB लिया गया है पतला उत्तल लेंस, उसके पहले गोलीय पृष्ठ AO1B का ध्रुव है O1 तथा O2 ध्रुव है उस लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ का। तो डी बिंदु पर लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ AO2B के डी बिंदु पर अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण एक बार फिर मुड़ती है प्रधान अक्ष की ओर और अंततः जाकर प्रधान अक्ष XX' के आई बिंदु पर जाकर फोकस होती है। मतलब पतले लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ AO2B से डी बिंदु पर अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के आई बिंदु पर जाकर फोकस होती है, जहां बिंब पी या बिंदु स्रोत पी या प्रकाशीय वस्तु पी का अंतिम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है आई बिंदु पर, जो कि लेंस के पतले लेंस के दूसरी ओर है। यदि इस पतले उत्तल लेंस का दूसरा गोलीय पृष्ठ AO2B उपस्थित नहीं होता, तो वैसी स्थिति में आपतित प्रकाश किरण पीसी, माने लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ के सी बिंदु पर आपतित प्रकाश किरण पीसी अपवर्तन के बाद पहले पृष्ठ AO1B से अपवर्तन के बाद सीधे जाकर मिलती कहाँ, सीधे जाकर के
आइडस बिंदु पर मिलती, प्रधान रस के आइडस बिंदु पर जाकर फोकस होती, अर्थात वस्तु पी का लेंस, वस्तु पी का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर या पहले पृष्ठ के दूसरी ओर आइडस बिंदु पर जाकर आइडस बिंदु पर बनता, वास्तविक प्रतिबिंब बनता पी बिंदु का, अगर इस पतले उत्तल लेंस का दूसरा गोलीय पृष्ठ AO2 भी उपस्थित नहीं होता। एक अन्य प्रकाश किरण, मतलब प्रधान रस पर स्थित बिंब या बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत पी से चलने वाली एक अन्य प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण लेंस पर लंबवत आपतित होती है तथा प्रकाश केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधे प्रधान रस के अनुरेख निकल जाती है और जाकर के आई बिंदु पर मिलती है, जहाँ की पहली प्रकाश किरण बिंब या बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत पी से चलने वाली पहली प्रकाश किरण जो कि तिरछे ढंग से आपतित हुई थी लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ के सी बिंदु पर तथा अपवर्तन के बाद लेंस के अंदर सीधी दिशा में मुड़ जाती है तथा दूसरे पृष्ठ के डी बिंदु पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के बाद आई बिंदु पर फोकस होती है। और दूसरी प्रकाश किरण लेंस के लंबवत, मतलब पी बिंदु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण लेंस के लंबवत अभिलंबवत आपतित होकर बिना विचलित हुए लेंस से निर्गत होने के बाद आई बिंदु पर जाकर मिलती है, उसी बिंदु पर जाकर मिलती है जहाँ की वस्तु पी से चलने वाली पहली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जहाँ जाकर मिली थी, उसी बिंदु आई पर दूसरी प्रकाश किरण पी बिंदु से चलने वाली वस्तु, प्रकाशीय वस्तु पी से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण भी मिलती है। इस प्रकार जहाँ दोनों आपतित प्रकाश किरणें, लेंस पर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जहाँ जाकर वापस जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर वस्तु ओ का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के बदले पतले उत्तल लेंस के बदले पतले अवतल लेंस का उपयोग किया जाए, यहाँ एल पतला अवतल लेंस है जो कि चित्र 2 में दर्शाया गया है, तो यहाँ पर अवतल लेंस का प्रधान अक्ष XX डैश पर स्थित बिंब या प्रकाशीय वस्तु या बिंदु स्रोत पी से चलने वाली प्रकाश किरण इस अवतल लेंस के पहले पृष्ठ पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के बाद लेंस के अंदर प्रधान अक्ष से थोड़ा दूर ऊपर की ओर मुड़ जाती है तथा दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से और दूर होकर ऊपर की ओर निर्गत हो जाती है। इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर पहले लेंस से अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब आइडस पर बनता, जबकि लेंस के दूसरे लेंस से अपवर्तन के कारण जब इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो अंतिम आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है आई पर बनता है। तो अवतल लेंस से अपवर्तन की स्थिति में आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है जो कि आभासी प्रतिबिंब है तथा लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु पी है। लेकिन उत्तल लेंस से अपवर्तन की स्थिति में जिस चित्र पर हमने विचार किया है उसमें प्रधान अक्ष पर स्थित प्रकाशीय वस्तु पी से चलने वाली प्रकाश किरणें पतले उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर जाकर फोकस होती है, जहां पर आई बिंदु पर फोकस होती है, जहां उसका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो कि लेंस के दूसरी ओर है। लेकिन अवतल लेंस से अपवर्तन की स्थिति में जिस ओर वस्तु स्थित है पी बिंदु बाईं ओर स्थित है लेंस के, और बाईं ओर ही लेंस से अपवर्तन के बाद अंतिम काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब आई बिंदु पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए लेंस से निर्गत प्रकाश किरण को जो कि प्रधान अक्ष से दूर ऊपर की ओर निर्गत हुई है उसको पीछे की ओर डॉटेड लाइन से बिंदुवत रेखाओं से पीछे की ओर बढ़ाया गया है, बैक किया गया है, जहां
वह बिंदुवत रेखा आई बिंदु पर जाकर मिलती है दूसरे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के कारण, और पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के कारण जब प्रकाश किरण को निर्गत, जब लेंस के अंदर निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा तो वह बिंदुवत किरण, बिंदुवत रेखा आई डस बिंदु पर जाकर मिलती है, जहाँ पर कि अगर अवतल लेंस का दूसरा गोलीय पृष्ठ नहीं होता तब उसका आभासी प्रतिबिंब बनता आई डस पर। लेकिन यहाँ पर दूसरा लेंस का, अवतल लेंस का दूसरा गोलीय पृष्ठ मौजूद है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, इसलिए अवतल लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के कारण काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है जो कि वस्तु की ओर ही है। लेकिन हम लोगों को अब डिस्कस करना है चित्र एक का उपयोग कर उत्तल लेंस से अपवर्तन का, लेकिन दूसरी स्थिति को, अवतल लेंस से अपवर्तन की स्थिति को भी मैंने दर्शाया। तो अब इसमें पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करने के लिए, चूँकि प्रधानश परिस्थित बिंब या बिंदु स्रोत से चलने वाली दोनों प्रकाश किरणें अंततः जाकर लेंस के दूसरी ओर आई बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए पी बिंदु का मतलब बिंदु स्रोत का या बिंब का या प्रकाशीय वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। दूसरी लेंस के दूसरे पृष्ठ की अनुपस्थिति में बिंब पी का या प्रकाशीय वस्तु पी का वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है जो कि लेंस के दूसरी ओर है, और यह आई डैश लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए AO2B के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि दूसरे गोलीय पृष्ठ के सामने है, वास्तविक वस्तु P उत्तल लेंस के दूसरा गोलीय पृष्ठ के पीछे है, पीछे पड़ता है, इसलिए आई डैश दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो अब पतले लेंस से, ये गोलीय पृष्ठ से, किसी अकेला गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र हम जानते हैं, μ2V - μ1U = μ2 - μ1R, उसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है VVI लॉन्ग क्वेश्चन 1 के रूप में। तो गोलीय पृष्ठ, किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र μ2V - μ1U = μ2 - μ1R, इसे समीकरण एक मान लिया जाए। यह अकेला गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है, क्योंकि पतले लेंस में भी दो गोलीय पृष्ठ हैं, तो बारी बारी से पहले, सबसे पहले पहले लेंस के, पतले लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ A1B से अपवर्तन के लिए सूत्र, तथा फिर दूसरे गोलीय पृष्ठ AO2B से अपवर्तन के लिए सूत्र, इस सूत्र का उपयोग करके मालूम कर लेंगे और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो पूरे उत्तल लेंस से, पूरे पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र मालूम हो जाएगा। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र μ2V - μ1U = μ2 - μ1R, जहाँ μ1 क्या है, μ1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, हवा का अपवर्तनांक है, विरल माध्यम है, इधर लेंस के दूसरे बाईं ओर विरल माध्यम है, और लेंस के मतलब इस गोलीय पृष्ठ के दूसरी ओर दूसरा माध्यम है, मतलब एक माध्यम लेंस हो जाएगा जिसका अपवर्तनांक क्या है, अब उसका अपवर्तनांक हमने म्यू माना है, तो दूसरा माध्यम कौन हो जाएगा, ये μ2 हो गया इसके लिए, पहले गोलीय पृष्ठ के लिए, और इधर फिर क्या है, इधर माध्यम क्या है, फिर हवा है, हवा है, तो इसके लिए अपवर्तनांक क्या हो गया, μ = 1, हवा के लिए कितना हो जाता है, अपवर्तनांक 1 हो जाता है, और लेंस के लिए अपवर्तनांक कितना हो जाता है, म्यू हो जाता है। तो लेंस के पदार्थ का मतलब कांच का अपवर्तनांक म्यू है, तथा पहला माध्यम का अपवर्तनांक, जब प्रकाश किरण हवा से लेंस में जाएगी तो पहला माध्यम हवा होगा, दूसरा माध्यम लेंस होगा, और लेंस के दूसरे पृष्ठ पर जब प्रकाश किरण आपतित हुई है डी बिंदु पर, तो लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होगा, तो पहला माध्यम लेंस होगा, दूसरा माध्यम हवा होगा, तो हवा का के लिए अपवर्तनांक μ = 1, तथा लेंस के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक कितना है, म्यू है, उसका हम उपयोग करेंगे। तो अब पहले पतले उत्तल लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ A1B से अपवर्तन के लिए, तो पतले लेंस जो कि उत्तल लेंस है, यहाँ उत्तल लेंस पर विचार किया गया है, उत्तल लेंस का उपयोग कर फॉर्मूला को हम लेंस निर्माण सूत्र को डिराइव करेंगे।
अवतलन से भी अपवर्तन के लिए चित्र दो में अपवर्तन अवतलन से अपवर्तन की स्थिति को दर्शाया गया है। इससे भी हम सेम फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में किसी एक लेंस से यह सूत्र प्राप्त करना होगा। पतले उत्तल लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ A1B से अपवर्तन की स्थिति में या अपवर्तन के लिए क्या होगा, μ2/V। पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए प्रकाश किरण हवा से लेंस में प्रवेश करती है, तो पहला माध्यम हवा होगा, दूसरा माध्यम लेंस होगा, तो μ2 हो गया दूसरा माध्यम। तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने μ माना है, यहाँ दर्शाया भी है, तो μ। और पहले गोलीय लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के कारण प्रकाश किरण कहाँ फोकस होती, आईडस पर फोकस होती, आईडस पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता अगर लेंस का दूसरा गोलीय पृष्ठ AO2 भी उपस्थित नहीं होता। तो μ2 के जगह μ हो गया दूसरा माध्यम, और भी के जगह प्रतिबिंब कहाँ पर बनता, आईडस पर। तो आईडस की दूरी को हमने माना है लेंस के प्रकाश केंद्र से V-, क्योंकि लेंस पतला है इसलिए यह दूरी लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ का ध्रुव O1 से मापा जाए या उसके प्रकाश केंद्र से मापा जाए, लेंस के प्रकाश केंद्र से मापा जाए, दोनों दूरी लगभग बराबर होगी, इसलिए हमने लेंस के प्रकाश केंद्र से उस दूरी को मापा है V-। तो हालांकि वास्तव में लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ A1B का ध्रुव O1 से वह दूरी मापी जानी चाहिए, O1i′ = V′, लेकिन चूंकि लेंस पतला है इसलिए O1i′ या लेंस का प्रकाश केंद्र O से I′ की दूरी दोनों बराबर होगी। तो μ/V′ हो गया माइनस μ1। μ1 क्या है, हवा है, लेंस के बाईं ओर क्या है, हवा है, दाईं ओर भी क्या है, हवा है, तो हवा का अपवर्तनांक μ1 = कितना हो गया 1, और अपॉन u, वस्तु की दूरी कितना है u, वस्तु की दूरी को u संकेत से सूचित किया जाता है, वस्तु की दूरी बाईं ओर है p, प्रधान अक्ष पर स्थित प्रकाश स्रोत, तो u हो गया = μ2। μ2 क्या है, दूसरा माध्यम जो कि लेंस है, यहाँ पर लेंस का अपवर्तनांक म्यू, माइनस μ1 कितना है, μ1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, लेंस में प्रवेश कर रही है, 1 हो गया अपॉन r के जगह r1। पहले गोलीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या क्या हो गई, लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ A1B की वक्ता त्रिज्या को हमने R1 सपोज किया है। अब इसी प्रकार लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अप्रकाश किरण कहाँ जा रही है, अब प्रकाश किरण लेंस से हवा में निर्गत हो रही है। जब प्रकाश किरण पहले लेंस के पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद डी बिंदु पर दूसरे पृष्ठ पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद किधर निर्गत होती है हवा में निर्गत होती है प्रधान अक्ष की ओर, तथा जाकर के आई बिंदु पर फोकस होती है प्रधान अक्ष के, जहाँ पर कि वस्तु पी का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। तो दूसरे लेंस के पतले लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ AO2B से अपवर्तन के लिए प्रकाश किरण लेंस से हवा में निर्गत होती है, तो पहला माध्यम अब कौन हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, μ1 हो जाएगा μ, तथा दूसरा माध्यम हवा होगा तो उसका अपवर्तनांक कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब फॉर्मूला फिर जो सूत्र है समीकरण एक में किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र μ2/V − μ1/U = μ2 − μ1/R। तो लेंस के इस पतले लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ के डी बिंदु से अपवर्तन के लिए क्या होगा, μ2/V। तो μ2 कौन हो जाएगा, हवा हो जाएगा, तो हवा का अपवर्तनांक कितना है, 1, तो μ2 के जगह 1 कर दिए। और दूसरे लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यही तो अंतिम प्रतिबिंब है, आई पर बनता है, तो O2i मतलब लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से जहाँ पर प्रतिबिंब निर्मित हुआ है आई पर प्रकाश किरण फोकस होती है, उसकी दूरी O2i या कहें OI, दूरी O2 दूसरे गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से दूरी मापी गई है आई, लेकिन लेंस चूंकि पतला है तो लेंस के प्रकाश केंद्र से भी दूरी मापी जाएगी, तो OI दूरी भी O2i के लगभग माने बराबर मानी जाएगी। तो इसलिए OI = कितना हो गया, V, प्रतिबिंब की दूरी V हो गया माइनस μ1, सूत्र में है μ1। अब इसमें कौन है, μ1 पहला माध्यम अब लेंस हो गया, क्योंकि लेंस से प्रकाश हवा में जा रही है इसलिए दूसरा माध्यम हवा हो गया। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हो गया, μ हो गया, तो μ1 की जगह μ लिखेंगे। तथा अब फॉर्मूला में क्या है, μ1/U, U क्या है, वस्तु की दूरी। तो दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए, लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ AO2B के लिए उसके सामने है I-,
इसलिए आईडस आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो आईडस की दूरी कितनी होगी लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से, आईडस की दूरी कितनी है वी डैस है, और उस दूरी को हम लेंस का प्रकाश केंद्र ओ से भी माप सकते हैं क्योंकि लेंस बहुत पतला है। तो यू कितना हो गया, यू इजकल टू वी डैस, यू इजकल टू वी डैस दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु आईडस की दूरी, वी डैस इजकल टू म्यू टू, म्यू टू क्या है हवा, हवा का पूर्णांक 1 माइनस म्यू 1, म्यू 1 क्या है लेंस है इस स्थिति में। तो क्योंकि प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन कहाँ हो रहा है, अब लेंस से हवा में अपवर्तन हो रहा है, तो लेंस पहला माध्यम हो गया, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हो गया म्यू हो गया अपॉन आर के जगह क्या हो गया आर टू क्या है, आर टू क्या है लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, पतले लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों से अलग अलग अपवर्तन का सूत्र हमने उपयोग कर लिया। अब पूरे हमको मालूम करना है पूरे पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र, तो पूरे मतलब दोनों लेंस के पतले उत्तर लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन के लिए अपवर्तन की स्थिति में जो हमने सूत्र प्राप्त किया है दोनों को क्या कर दिया जाए ऐड कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए। तो समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर आप लोग नोट करें, समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे तथा दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ा जाएगा। तो बाएं पक्ष में क्या है दोनों समीकरणों के समीकरण दो के बाएं पक्ष में है म्यू अपॉन LHS में म्यू अपॉन वी डैस माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू प्लस, अब समीकरण 3 का बाएं पक्ष में 1 बाई वी माइनस म्यू बाई वी डैस 1 बाई वी माइनस म्यू बाई वी डैस बराबर है म्यू माइनस 1। अब दोनों समीकरणों का जो RHS है दाएं पक्ष उसको जोड़ा जाए तो म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2, समीकरण 3 का दाया पक्ष है 1 माइनस म्यू प्लस R2, दोनों को जोड़ दिया गया। अब इसमें म्यू बाई वी डैस प्लस माइनस म्यू बाई वी डैस है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म LHS में दोनों कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है फर्स्ट टर्म दूसरा लास्ट टर्म निगेटिव है, तो बचा क्या लेफ्ट हैंड साइड में और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इजकल टू म्यू बाई RHS में क्या बचा LHS में तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू तथा RHS में क्या हो गया RHS में म्यू माइनस 1 फर्स्ट टर्म अपॉन R1 म्यू माइनस 1 अपॉन R1 और सेकेंड टर्म में क्या है 1 माइनस म्यू अपॉन R2। तो इसको अगर 1 माइनस म्यू में अगर म्यू को बाहर मतलब माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद म्यू ब्रैकेट के अंदर म्यू माइनस 1 फिर माइनस अंदर करेंगे तो म्यू नेगेटिव हो जाएगा माइनस म्यू माइनस माइनस प्लस 1। तो हमने माइनस कॉमन कर दिया सेकेंड टर्म में 1 माइनस म्यू में तो माइनस अंदर ब्रैकेट म्यू माइनस 1 लिखा जा सकता है बटा R2। और लेंस सूत्र से हम जानते हैं कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इजकल टू एफ होता है तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इजकल टू क्या हो गया 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अब RHS में दाएं पक्ष में म्यू माइनस 1 अपॉन R1 फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर प्लस है लेकिन सेकेंड टर्म में हमने माइनस कॉमन लिया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा म्यू माइनस। और ऐसा हमने इसलिए किया है कि फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में अंश में म्यू माइनस 1 है तो सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर में भी म्यू माइनस 1 आ जाए जो कि अभी 1 माइनस म्यू था। तो म्यू माइनस 1 सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर में लाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया था म्यू माइनस 1 अपॉन R2 प्लस माइनस माइनस हो गया बीच में। अब म्यू माइनस 1 RHS के दोनों टर्म में कॉमन हो जाएगा इसलिए 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 और यह समीकरण नंबर 4 है। और यह क्या है पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र है जिसे लेंस निर्माण सूत्र कहा जाता है। तो यह लेंस निर्माण सूत्र है तो लेंस निर्माण सूत्र हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। यह लेंस निर्माण सूत्र है जो कि 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स पेपर्स में यूजुअली पूछता है बराबर पूछता है हमेशा पूछा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
अब लेंस निर्माण सूत्र पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट आंकिक प्रश्नों न्यूमेरिकल्स के हल जिन्हें 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है, उनमें से प्रॉब्लम 1 NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 9.7 है। 1.55 अपवर्तनांक के कांच के दोनों फलकों अर्थात दोनों पृष्ठों की समान वक्ता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस निर्मित करने हैं जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अपेक्षित लेंस की अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यहाँ अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक म्यू जी वह कितना है? 1.55 है। यह कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा? हवा के सापेक्ष होगा। तो बाएं साइड में मतलब म्यू के बाएं साइड में नीचे सफिक्स में ए लगा दिया क्योंकि म्यू जी का मतलब है कांच का अपवर्तनांक का मतलब है हवा के सापेक्ष। अगर कोई माध्यम नहीं दिया है तो हवा के सापेक्ष। तो ये म्यू जी कितना हो गया? 1.55 कांच का अपवर्तनांक है। और इस मतलब कांच का अपवर्तनांक 1.55 है और इसके हेल्प से एक समान वक्ता त्रिज्याओं की एक बाई कॉन्वेक्स लेंस द्वि उत्तल लेंस का निर्माण करना है। तो प्रत्येक पृष्ठ के लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या कितनी होगी? और दोनों क्या है? समान वक्ता त्रिज्या है। मतलब R1 बराबर R2, उसे हम R मान लेते हैं। R1 पहले लेंस के द्वि उत्तल लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या R1 R2 दोनों की वक्ता त्रिज्या समान है। समान वक्ता त्रिज्याओं के द्वि उत्तल लेंस निर्मित करने हैं। तो R1 बराबर R2 इसको हम मान लेते हैं R। लेकिन नई चिन्ह परिपाटी से R1 बराबर हो जाएगा प्लस R एवं R2 बराबर हो जाएगा माइनस R। क्यों होगा? क्योंकि उत्तल लेंस के लिए द्वि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा? पहला जो पृष्ठ है ये इसका पहला पृष्ठ है तो लेंस का द्वि उत्तल लेंस का पहला पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ। तो उसका वक्ता केंद्र किधर होगा? पहले गोलीय पृष्ठ के लिए वक्ता केंद्र होगा दाईं ओर होगा। तो इसलिए R1 जो होगी मतलब R ये क्या हो जाएगा? पहले गोलीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या R1 जिसे हमने R माना है क्योंकि लेंस के दोनों फलकों की वक्ता त्रिज्याएं समान है। समान वक्ता त्रिज्याओं के लेंस निर्मित करने हैं द्वि उत्तल लेंस। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस R हो जाएगा क्योंकि लेंस के उत्तल लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ का वक्ता केंद्र किधर है? दाईं ओर है, यह वक्ता केंद्र है। इसलिए लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से मध्य बिंदु से वक्ता केंद्र की दूरी क्या होती है? वक्ता त्रिज्या होती है। तो ये धनात्मक हो गया। और दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए क्या होगा? दूसरा गोलीय पृष्ठ उत्तल लेंस का है तो उसकी वक्ता त्रिज्या किधर होगी? वक्ता केंद्र किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा, यह वक्ता केंद्र हो गया। इसलिए दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए जो वक्ता त्रिज्या होगी R2 वह क्या होगी? निगेटिव होगी, माइनस R लेना होगा। अगर आप R1 R2 दोनों की जगह R और R लिखते हैं तो 1/R माइनस 1/R तो 0 हो जाएगा, 1/F=0 हो जाएगा। तो वह प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए नई चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना जरूरी है। R1 बराबर प्लस R उत्तल लेंस के द्वि उत्तल लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या तथा R2 द्वि उत्तल लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या वह भी समान वक्ता त्रिज्या है तो R ही होगी लेकिन माइनस साइन होगा। यहाँ पर डायग्राम से भी मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तथा लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि द्वि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए F=20 सेंटीमीटर। अब यह चूँकि प्रॉब्लम लेंस निर्माण सूत्र पर या पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र पर आधारित है जिसके लिए सूत्र अभी हमने प्राप्त किया है 1/F=μ-1 R1 - 1/R2। तो लेंस निर्माण सूत्र से 1/F=μ-1 1/R1 - 1/R2। अब म्यू का मतलब क्या है? एयर म्यू जी मतलब कांच का अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष। म्यू का मतलब है एयर म्यू जी, यानी ये कांच का अपवर्तनांक लेंस जिससे कि लेंस निर्मित हुआ है और एयर के सापेक्ष। तो म्यू का वैल्यू कितना है? 1.55 रख दिया जाए माइनस 1/R1 R1=+R - 1/R2 R2=-R। अब इसे 1.5 अब क्या होगा? 1.55 में माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा? 0.55।
तो अब लिखें 0.1 बाई एफ इजकल टू, एफ मालूम करना है, ये सॉरी एफ दिया हुआ है कितना है 20, तो एफ का वैल्यू भी पुट कर दिया जाए बाईं ओर है लेफ्ट साइड में 1/f, तो 1/20 भी एफ की जगह 20 रख दिया जाए, 1/20 इजकल टू 1.55 माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 की जगह प्लस r तथा r2 माइनस r2 की जगह 1/r2 की जगह माइनस r, तो टर्म हो जाएगा 1/r, नई चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर, और इसे लिखा जा सकता है 1/20 इक्वल्स टू 1.55 माइनस 1 दैट इज 0.55 अंडर ब्रैकेट 1/r और यहाँ माइनस माइनस प्लस सेकेंड टर्म के पहले, तो बीच में माइनस है और r2 की जगह माइनस r लिया गया तो प्लस 1/r हो गया, 1/r अंडर ब्रैकेट 1/r प्लस 1/r और 1/20 r हमें मालूम करना है लेंस के दोनों फलकों दोनों वक्त पृष्ठों की वक्ता त्रिज्याएं जो कि समान है 0.1/20 इजकल टू 0.55 1/r प्लस 1/r 2/r हो गया और 1/20 इक्वल्स टू 0.55 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 11 हो गया 11 माने 0.55 इंटू 2 55 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 110 डेट इज 110 तो 110 का मतलब क्या हो गया दो प्लेस पर डिसमल है तो कितना हो जाएगा 11 तो 0.55 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन आर और आर का वैल्यू निकालना है तो सॉरी 1.10 1/20 इजकल टू 1.1 अपॉन आर इसलिए आर इजकल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.10 आया 0.55 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो और दो प्लेस पर डिसमल है तो 1.10 को 1.1 लिखा जा सकता है तो ये कितना हो गया 20 इंटू 1.1 डेट इज 20 इंटू 11/10 और 0 से 0 कैंसिल हो गया या एक प्लेस पर डिसमल है तो सीधे इस 0 को न्यूट्रलाइज कर दीजिए डिसमल से तो कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर आंसर। तो लेंस के प्रत्येक फलक प्रत्येक गोलीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या कितनी हो गई 22 सेंटीमीटर हो गई जिनके मदद से जिनकी सहायता से समान वक्ता त्रिज्याओं के फलकों वाले द्विउत्तल लेंस को निर्मित करना है तो आर इजकल टू कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम नंबर 2 यह भी प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में 15 सेंटीमीटर है यदि लेंस को जल में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी कांच के लिए अपवर्तनांक दिया हुआ है म्यू जी इजकल टू 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू इजकल टू 4/3 और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में फिजिक्स के पेपर्स में पूछा जाता है प्रायः सभी 12 स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है यह भी लेंस निर्माण सूत्र पर आधारित है। तो हवा में फोकस दूरी दिया हुआ है मैंने दिया है प्रश्न से एफ ए इजकल टू हवा में लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और लेंस को जल में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी मैंने एफ डब्ल्यू मालूम करना है एफ डब्ल्यू क्या होगा लेंस को जल में डुबाने पर फोकस दूरी एफ डब्ल्यू मालूम करना है कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2 म्यू डब्ल्यू 4/3 है तो पहले लेंस निर्माण सूत्र का उपयोग किया जाए हवा में तो हवा के लिए क्या होगा हवा में लेंस निर्माण सूत्र 1/FA इजकल टू म्यू माइनस म्यू जी म्यू के जगह एयर म्यू जी लिखना होगा एयर म्यू जी माने ग्लास कांच का अपवर्तनांक हो गया किसके सापेक्ष हवा के सापेक्ष माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 और 1/FA एफ ए दिया हुआ है हवा में फोकस दूरी कितनी है प्लस 15 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है 1/15 इजकल टू एयर म्यूजी कितना है एयर म्यूजी दिया है 3/2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 अंडर ब्रैकेट और 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2 और इसलिए 1/15 इजकल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/R1 माइनस 1/R2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र माने जब लेंस को हवा में रखा गया है तो अपवर्तन का सूत्र मालूम करके यह समीकरण 1 प्राप्त कर लिया गया है। अब जब लेंस को जल में डुबा दिया जाए तो माध्यम क्या हो जाएगा हवा के बदले माध्यम हो जाएगा जल तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक अब किसके सापेक्ष हो जाएगा हवा के सापेक्ष न होकर जल के सापेक्ष हो जाएगा जिसे
म्यू के, अतः म्यू के जगह लिखा जाएगा डब्लू म्यू जी। डब्लू म्यू जी मतलब कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। अब लिखिए लेंस को, उत्तल लेंस को जल में डुबाने पर, उत्तल लेंस को जल में डुबोने पर क्या होगा, माध्यम बदल जाएगा, माध्यम जल हो जाएगा। फिर लेंस निर्माण सूत्र से 1/FW हो जाएगा, FW मतलब जल का, जल में लेंस की फोकस दूरी FW, जो कि हमें मालूम भी करना है, इक्वल टू अब क्या हो जाएगा म्यू के जगह डब्लू म्यू जी, मतलब कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, जी फॉर ग्लास जिसे हिंदी में कांच कहा जाता है, जल के सापेक्ष डब्लू म्यू जी -1/R1 -1/R2। और डब्लू म्यू जी को लिखा जा सकता है सापेक्ष, जो कि सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र से, म्यू जी बाई म्यू डब्लू। डब्लू म्यू जी को म्यू जी माने म्यू जी का अर्थ हो गया कांच का अपवर्तनांक बटा बटा वाटर का अपवर्तनांक, म्यू जी बाई म्यू डब्लू। डब्लू म्यू जी को लिखा जाएगा म्यू जी बाई म्यू डब्लू -1/R1 -1/R2 इक्वल्स टू म्यू जी इक्वल टू कितना है दिया है प्रॉब्लम में 3/2, म्यू डब्लू कितना है 4/3 है -1/R1 -1/R2। और ये हो गया 3/2 × 3/4 हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, 3/2 × 3/4 3/2 / 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा -1/1/R1 -1/R2। और ये हो गया 3 × 3 फर्स्ट टर्म में, 3 × 3 9/9 / 4 × 2 8 9/8 -1/1/R1 -1/R2 जहाँ R1 R2 क्या है उत्तल लेंस के दोनों फलकों या दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। इसलिए फाइनली हमारा क्या आ गया, ये 1/FW है, इसलिए 1/FW क्या आ जाएगा फाइनली हमको 9/8 - 1 = LCM 8 हो जाएगा 9 - 8/8 दैट इज 1/8 1/8 × 1/R1 - 1/R2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमको जल में फोकस दूरी मालूम करनी है तो समीकरण 2 भी आ गया, जल में फोकस दूरी FW, तो 1/FW = 1/8 × 1/R1 - 1/R2। जबकि समीकरण नंबर 1 क्या है, हवा में लेंस की फोकस, जब लेंस हवा में था तो 1/ उसके लिए लेंस निर्माण सूत्र का, पतले लेंस या अपवर्तन का सूत्र का उपयोग करने पर हमें रिजल्ट क्या आया था 1/15 = 1/2 × 1/R1 - 1/R2। तो चूंकि हमको FW मालूम करना है लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिया जाए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर हमें, हम लोग FW का मान, मतलब जल में माने पानी में लेंस की फोकस दूरी हम लोग मालूम आसानी से कर पाएंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया जाए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर 1/15 समीकरण 1 है इक्वल टू, ये बायां पक्ष है दायां पक्ष, 1/2 × 1/R1 - 1/R2। और समीकरण 2 से इसमें भाग दिए हैं तो 1/ समीकरण 2 में क्या है 1/FW, तो 1/15 / 1/FW हो जाएगा बराबर है 1/2 × 1/R1 - 1/R2 बटा समीकरण 2 के RHS में क्या है 1/8, समीकरण 2 के RHS में 1/8 × 1/R1 - 1/R2। तो इसे डिवाइड करना होगा समीकरण 1 के RHS में, तो 1/8 × 1/R1 - 1/R2 1/R1 - 1/R1 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 8 कैंसिल होकर के नीचे 4 हो गया, इसलिए FW ऊपर चला 1/15 / 1/FW, तो इसलिए ये हो जाएगा FW न्यूमरेटर अंश में चला जाएगा, न्यूमरेटर में FW बाई 15 डिनोमिनेटर में रहेगा इक्वल टू, यहाँ भी 4 क्या चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा इक्वल टू 4। इसलिए अब हमारा आंसर आ गया FW इक्वल टू 15 × 4 दैट इज 60 + 60 सेंटीमीटर, मतलब जल में डुबाने पर भी उत्तल लेंस जैसा ही व्यवहार करेगा क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक ही आ रही है। इसलिए FW इक्वल टू 15 × 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तिरछा गुना से दैट इज +60 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस को जब जल में डुबाया जाएगा तो जल में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, FW क्या है जल में उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, कितना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो जल में जब किसी उत्तल लेंस को डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी कितनी बढ़ जाती है 4 गुनी बढ़ जाती है,
15 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी हवा में था, जल में डुबाने पर 15 × 4 60 सेंटीमीटर हो गया। तो एक जनरल फार्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ जो होगा, एफ किसी मीडियम में एफ एम इजकल टू 4 × FA, माने किसी भी माध्यम में, माने यहाँ तो जल है, दूसरा माध्यम बेंजीन हो सकता है या कोई अन्य माध्यम हो, तो उसमें अगर लेंस को डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी को हमने एफ एम लिख दिया, और बराबर 4 × 4 हवा में लेंस की फोकस दूरी एफ ए। ये जनरल सूत्र हो गया। लेकिन जब पानी में हम जल में डुबाएंगे, माने जल में जब डुबाएंगे किसी भी लेंस का फोकस, जल में डुबाएंगे, अगर किसी अन्य माध्यम में डुबाएंगे तो फोकस दूरी में परिवर्तन होगा। जैसे बेंजीन में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस अवतल लेंस जैसा व्यवहार करने लगता है। तो मीडियम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर ही रखा जाए मीडियम को, एफ डब्ल्यू के लिए, माने जल के लिए विशेष सूत्र हो गया। जल में जब माने जल में डुबाया जाएगा किसी भी लेंस को, उसकी फोकस दूरी चेंज हो सकती है, लेकिन तब उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, एफ डब्ल्यू इजकल टू 4 × FA। लेकिन कोई अदर मीडियम में अगर लेंस को डुबाया जाएगा अन्य माध्यम में, तो उसकी फोकस दूरी परिवर्तित होगी, क्योंकि माध्यम बदलने से भी प्रभाव पड़ेगा उसकी फोकस दूरी पर। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में दिया कि अगर उत्तल लेंस को अगर बेंजीन में डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, तथा वह अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। क्योंकि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बेंजीन की फोकस दूरी, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.6 है, जो कि कांच के अपवर्तनांक से अधिक है। तो वैसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है, जैसे कि जल का अपवर्तनांक है 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो वैसा माध्यम में अगर लेंस को डुबाया जाएगा जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम हो, तब वह लेंस उत्तल लेंस जैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर किसी लेंस को जिसका उस माध्यम में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक, या उस द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक हो, जैसे कि बेंजीन का अपवर्तनांक 1.6 है और कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, तो जब बेंजीन में डुबाया जाएगा किसी लेंस को, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी तो बढ़ेगी, लेकिन वह लेंस बेंजीन में डुबाने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस जैसा व्यवहार करने लगेगा। उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है, तो उसमें निगेटिव साइन आ जाएगा कि जब 1.5 अपवर्तनांक वाले किसी कांच से निर्मित उत्तल लेंस को 1.6 अपवर्तनांक वाले बेंजीन में डुबा दिया जाए, द्रव में डुबा दिया जाए, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। और इस प्रश्न को भी प्रीवियस ईयर्स में 12th बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो उसकी फोकस दूरी तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही साथ वह उत्तल लेंस बेंजीन में डुबाने पर जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक है, अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा, आचरण करेगा। तो ये जनरल फार्मूला हमने लिख दिया, एफ डब्ल्यू इजकल टू 4 × FA, जहाँ एफ डब्ल्यू क्या है, जब लेंस को पानी में डुबाया जाएगा, जल में डुबाया जाएगा, तो उसकी फोकस दूरी हवा में जितनी फोकस दूरी है एफ ए, उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर यही 15 के जगह 20 सेंटीमीटर होता लेंस की फोकस दूरी हवा में, तो यही आंसर हो जाता है 4 × 20 80 सेंटीमीटर। यदि 30 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी होती तो 4 × 30 120 सेंटीमीटर हो जाता जल में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी। अगर 25 सेंटीमीटर होता एफ ए, हवा में फोकस दूरी लेंस की 25 सेंटीमीटर है, जल में डुबाने पर कितनी फोकस दूरी होगी, तो 4 × 25 = 100 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का मान केवल चेंज होगा लेंस का, और माध्यम वही रहेगा, जल ही रहेगा, तब यह सूत्र लागू होगा, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 × FA। अन्य माध्यमों के लिए यह सूत्र में फोकस दूरी के मान में परिवर्तन होगा, तथा लेंस के नेचर में भी, आचरण में भी परिवर्तन होगा। यदि माध्यम का अपवर्तनांक, माने जिस माध्यम में लेंस को डुबाया जाएगा उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो इस प्रकार हमने लेंस निर्माण सूत्र पर आधारित दो इम्पॉर्टेंट आंकिक प्रश्न का सॉल्यूशन किया, जिसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 NCERT टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम 9.7 था, और ये दोनों प्रश्न 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्रायः पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जाते रहे हैं। इसलिए मैंने लेंस निर्माण सूत्र के साथ इन दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशंस भी किया, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को का काम आसान हो, काफ़ी मदद मिले। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, तथा मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिक्स क्वांटम क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों को क्लास 10 से लेकर के BSc पार्ट 3 ऑनर्स तक के, मतलब प्रत्येक क्लास के लिए, प्रत्येक हायर क्लास के लिए 10+2 लेवल से लेकर +3 तक वीडियोज को उपलब्ध कराता है, और पूरा थोरो, मतलब डेरिवेशंस भी तथा प्रॉब्लम्स भी, माने हर टॉपिक से संबंधित वीडियोज इस चैनल में उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।